हरियाणा में देखिए जो आंकड़ा अभी तक आया है मतदान प्रतिशत का, शाम 4 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 54%, 54% मतदान हुआ है शाम 4 बजे तक का हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज का यह आंकड़ा है। और सबसे ज्यादा हरियाणा में जो वोटिंग हुई है अभी तक वो यमुनानगर का आंकड़ा आ रहा है, 63% मतदान यमुनानगर में हुआ है। फरीदाबाद में अभी तक सबसे कम 44% ही वोटिंग हुई है। और आइए सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा का आज चुनावी मिजाज क्या रहा, वोटिंग का दिन, वोटर्स किन मुद्दों के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचे, सबसे पहले आपको जैनेन्द्र के पास रोहतक लेकर चलेंगे। रोहतक में तो जैनेन्द्र कुल मिलाकर हुड्डा की साख, यही था चुनावी सवाल। बिल्कुल, और चुनौती भी यही है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां पर कांग्रेस का को क्लीन स्वीप दिला पाते हैं, क्योंकि जो लगातार कांग्रेस के दावे रहे हैं कि 60 से ज्यादा सीटें वो तभी होंगी जब ये रोहतक झज्जर का जो बेल्ट है, जो मजबूत बेल्ट रहा है कांग्रेस का हुड्डा का, तब भी जबकि 14 और 19 में सरकार नहीं आई, क्या इस बार जो है यहां से क्लीन स्वीप करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। हालांकि हम अगर देखें सीट वाइज तो 1-2 सीटों पर जहां निर्दलियों से चुनौती है और 1-2 सीटों पर जहां बीजेपी से चुनौती है, इसके अलावा ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस बढ़त की स्थिति में है। और रोहतक और गढ़ी सांपला जो हुड्डा की सीट है जहां पर मैं था, ज्यादातर जो वोटर थे वो, चूंकि कांग्रेस के वोटर इस इलाके में वोकल होते हैं, इस वजह से कांग्रेस के वोटर जरूर नजर आए। हालांकि बीजेपी भी बूथ मैनेजमेंट के स्तर पर हम देखें और साइलेंट वोटर जो उसके पक्ष में होता है उसके मद्देनजर देखें तो कड़ी चुनौती दे रही है। और हम रोहतक के शहरी इलाकों में हमने देखा कि बीजेपी के बूथ पर भी जो है वो अच्छी खासी संख्या में लोग नजर आ रहे थे, बूथ के बाहर जो टेबल लगे होते हैं। तो रुमाना कुल मिलाकर रोहतक की तस्वीर यही थी कि कांग्रेस का वोटर वोकल था, कांग्रेस का वोटर जो है वो खुलकर के बोल रहा था, बीजेपी का वोटर खुलकर के नहीं बोल रहा था। लेकिन टक्कर जो है वो सभी सीटों पर है और 8 तारीख को ही सस्पेंस साफ होगा कि बाजी कौन मारता है। सोनीपत लेकर चलेंगे दर्शकों को, अंकित गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद है। अंकित, सोनीपत ये भी तो जाटलैंड का हिस्सा है, कौन सा मुद्दा यहाँ हावी? बिल्कुल रुमाना, देखिए सुबह से मैं जिंद में था, जिंद के बाद में ये सोनीपत पहुंचा हूं, तो करीबन 11 विधानसभा सीटें का आकलन मैंने किया है। तो जो मुझे सबसे बड़ा मुद्दा लगा वो ये लगा कि एक तो जाटलैंड जिसका आपने जिक्र किया, वहां पर जो है जेजेपी को लेकर के क्या नाराजगी है वाकई में, तो हाँ थोड़ी सी जो है जो पिछली बार का प्रदर्शन था शायद दुष्यंत चौटाला की पार्टी उसको ना रिपीट कर पाए। लेकिन जो दूसरा बड़ा मुद्दा जो कि इस लैंड के लिए इस एरिया के लिए था वो था कि किसान आंदोलन, क्या किसान आंदोलन वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वो फिलहाल मुझे नजर नहीं आया। यानी कि जो है चुनावों से पहले एक चर्चा चल रही थी कि किसान नाराज हैं, जाट नाराज हैं, बीजेपी को नुकसान होगा, तो वो किसान आंदोलन इतना बड़ा मुद्दा नजर नहीं आया। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, क्या किसी एक पार्टी के पक्ष में हवा, जी नहीं, वो भी नजर नहीं आई है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में हवा या आंधी जैसी कोई बात हो। यानी साफ तौर पर मुकाबला नजदीकी है और वो काफी हद तक उम्मीदवारों का जो चयन किया गया है पार्टियों की तरफ से उसके ऊपर भी निर्भर कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो 11 सीटें हैं जहां पर जिंद जिले की बात करूं और सोनीपत जिले की बात करूं, पिछली बार कांग्रेस ने यहां 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीजेपी ने 3 और जेजेपी ने 3, लेकिन इस बार जेजेपी का यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी का प्रदर्शन पहले की तुलना में मुमकिन है कि थोड़ा सा उतना अच्छा ना हो, तो उसका फायदा किसको मिलेगा वो जो है सबसे दिलचस्प आंकड़ा होगा। जी बड़ी बात कह रहे हैं आप, जाटलैंड में आप कह रहे हैं कि यहां पर किसी पार्टी की हवा कुछ नजर नहीं आ रही है, किसानों के मुद्दे को भी लेकर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बातें की जा रही थी जमीन पर वैसा असर यहां जाटलैंड में आपने नहीं देखा। और मैं जरा अब आगे बढ़ूंगी, पानीपत, अंबाला, नीरज पांडे, सचिन को आप देख रहे हैं, और ये वो जो जीटी बेल्ट वाली जो रोड है, जीटी रोड वाली जो बेल्ट है उसके अंदर ये सीटें आती है, पहले पानीपत लेकर चलेंगे नीरज पांडे के पास और उनसे जाते हैं, उन्होंने क्या देखा, कौन से मुद्दे का जोर नीरज आपने महसूस किया आज? देखिए रोमाना, इसमें कोई शक नहीं है कि जीटी रोड जो है उसमें हमेशा बीजेपी का रोल बहुत अच्छा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जीटी रोड और अहिलवाल में पिछली बार भी और उससे पहले भी बहुत अच्छे परिणाम रखे थे जिसकी वजह से उनकी सरकारें बनी थी। आज जो हमने देखा कि बिल्कुल सही बात है अंकित से, मैं बहुत हद तक मैं उनके साथ अपने आप को जोड़ता हूँ, क्योंकि किसान जो आंदोलन था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था, वो इतना बड़ा मुद्दा दिखा नहीं, बिल्कुल एक तरफा लहर नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई एक पार्टी पूरी तरह से स्वीप कर रही है और दूसरी पार्टी के पास कहीं वोट नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है हमारे साथ हैं उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है। सर, हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, सर क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। तो आज जब वोट करने गए तो क्या आप सोच के गए और क्या मुद्दे मानते हैं चुनाव के? हम तो जो सरकार है हम चाहते हैं आगे बीजेपी आए तो खुले हम सर आपका
नाम क्या है? भारत भूषण। भारत भूषण जी, आपने भी आज वोट किया होगा, तो वोट करते समय आपको क्या लगा, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके लिए वोट करना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि जो भी कैंडिडेट बने, किसी भी पार्टी का बने, जब वो MLA बनकर प्लेटफार्म पर आएगा तो उसकी नीयत और नीति ठीक होनी बहुत जरूरी है। उसका नेतृत्व तो तभी होगा जब उसकी नीति और नीयत ठीक होगी। ये देखिए ना, जनता जनार्दन है और जनता के विवेक के आगे सब कुछ हवा हो जाता है। देखिए कितनी बुनियादी बात इन्होंने कह दी है यहाँ पर। अगर नियत ठीक होगी, अगर नीति बढ़िया होगी, तो फिर जनता की नियति तो बढ़िया हो ही जाएगी ना। सचिन के पास जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलेंगे। अंबाला से इस समय हमारे साथ मौजूद है और वो GT रोड बेल्ट अंबाला, मतलब ये पूरा इलाका पुराना गढ़ बीजेपी का, इसी तौर पर इसने अपनी पहचान बनाई। इस बार अपने इस गढ़ में बीजेपी मजबूत नजर आई, मुश्किल लड़ाई में नजर आई, टक्कर बराबरी की, क्या स्थिति आपने देखी सचिन? रोमाना, जिस GT रोड बेल्ट की बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत असल में अंबाला से ही होती है। अगर हम चंडीगढ़ से स्टार्ट करते हैं, और अंबाला में इस वक्त मैं हूँ, यहाँ यंग वोटर्स हैं हमारे साथ, उनसे ही जान लेंगे कि मुद्दे क्या रहे हैं उनके लिए। ये तीनों जो हम वोटर्स देख रहे हैं, ये तीनों फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और तीनों से जानेंगे कि इनके दिमाग में क्या मुद्दे थे। बच्चे, क्या आपने वोट किया है, क्या क्या इशूज़ रहे हैं आपके दिमाग में जिनको लेकर वोट किया? सर, जैसे न्यू यूथ को मतलब वोट देना चाहिए आगे, मतलब देश को संभालने के लिए। तो क्या रहा आपके दिमाग में कि ये काम है राजनीतिक पार्टी को, या सरकार अगर बनेंगे तो करना चाहिए? हाँ सर, मतलब जो काम करा है उसी को देख के ही दिया है वोट। जो आपके दिमाग में था कोई मुद्दा जिसको लेकर आप गए अंदर कि यार मुझे इस मुद्दे के ऊपर वोट करना है, ये मैं करना चाहता हूँ, ये सरकार को करना चाहिए? सर, जैसे सर अग्निवीर स्कीम चल रही है, तो उसको हटाने के लिए जो सरकार आगे आएगी उसको हटाए, तो इसलिए इस पर्पज से वोट दिया है कि भाई लगता है कि अग्निवीर मुद्दा है इस चुनाव में। हाँ जी, आएगा। एक और यंग वोटर हैं, लड़की हैं। बच्चे, नाम क्या आपका? पल्लवी। पल्लवी, आप वोट करके आए हैं, फर्स्ट टाइम वोट किया, क्या इशू रहा दिमाग में? एम्प्लॉयमेंट ही है मेन तो, जैसे जरूरी नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट में भी हो, बट बेटर एम्प्लॉयमेंट तो होना चाहिए ना। स्टडी के अकॉर्डिंग अंबाला में बहुत प्रॉब्लम्स है एम्प्लॉयमेंट की, तो बस उसी के रिगार्डिंग जो हमें लगता है, मुद्दों को लेकर ही वोटर जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचा है, उसने वोट डाला है। और देखिए ये युवा वोटर्स, तीनों फर्स्ट टाइम वोटर्स, जैसा कि सचिन हमें बता रहे थे। और नहीं भूलना चाहिए कि अगर हरियाणा की बात की जाए तो युवा वोटर के लिहाज से हरियाणा जो है वो खासा युवा प्रदेश उसकी गिनती होती है देश के अलग अलग प्रांतों में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।